नोकिया 9। अब ये जो स्मार्टफोन है वो नोकिया का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जो कि आने वाला था एक्चुअली। ये सही में, ये मैं सही कह रहा हूँ यहाँ पर, बाई मिस्टेक नहीं निकला है। एक्चुअली ये फ़ोन जो है वो आपको पता ही होगा, 5 कैमराज बैक में आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फीचर है, और मैं पर्सनली इस फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन यहाँ पर जो नोकिया के चीफ प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव हैं जूहो सर विकास, उन्होंने ये कहा कि नोकिया 9 जो है अब ये फ़िलहाल जो है पूरी तरह से रेडी नहीं है, और ये फ़ोन आपको फिलहाल अभी इस साल लॉन्च होने वाला था लेकिन इसकी लॉन्चिंग जो है पोस्टपोन कर दी गई, और ये पोस्टपोनिंग से 1 या 2 महीने के लिए नहीं हुई, ये आपको सीधे अगले साल देखने को मिलेगा। और एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले साल जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होगी MWC 2019 में ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा, यानी फरवरी 2019 में ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। और ये नोकिया के साथ पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा हो चुका है नोकिया 8 सीरीज के साथ। अब ये नोकिया 8 सीरीज जो है वो 2017 का फ्लैगशिप स्मार्टफोन था, लेकिन इस साल 2018 में आपको ये फ़ोन देखने को मिला, तो ये कोई नई बात नहीं है, नोकिया के साथ ये होता रहता है। और स्पेसिफिकेशंस की बात करो तो लीक्स के अकॉर्डिंग जो फ़ोन है वो आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगी नॉच लेस, यानी 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले मिलेगी, बिल्कुल रेडमी नोट 5 प्रो जैसी, यानी नॉच उसमें नहीं होगी, ऊपर और नीचे बेजल्स होंगे। इसकी जो है एक डिस्प्ले असेंबली वाली फोटो है वो भी लीक हुई थी, जिससे इसकी स्क्रीन के बारे में पता चला था। स्पेसिफिकेशंस में यहाँ पर 6.01 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, मे बी ये क्वाड एचडी प्लस रेजोल्यूशन की भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आपको ये देखने को मिलेगी। साथ ही साथ स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर आपको फिलहाल इस साल अगर लॉन्च होता तो 845 मिलता, लेकिन अब 855 प्रोसेसर इसमें कायदे में दिया जाना चाहिए अगर 2019 में ये लॉन्च होगा फ़ोन तो। और इसमें 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट होगा, मे बी शायद 6 GB रैम वाला वेरिएंट हो, लेकिन यहाँ पर लीक्स में सिर्फ अभी 8 GB रैम वाला वेरिएंट लिस्ट किया गया था। और जो फ़ोन है उसमें आपको बैटरी देखने में मिलेगी 4150 mAh की, यानी एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन बैटरी लाइफ वाला फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। यहाँ पर आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन में 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, मैक्सिमम 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन अब यहाँ पर इस फ़ोन में ये पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें इतनी ज़्यादा मैसिव बैटरी होगी, जो 4150 mAh की, जो आपको पूरे दिन का बैकअप देने के बाद भी इसमें काफ़ी बैटरी बच जाएगी आपकी। और जो फ़ोन है उसकी लॉन्च सितंबर में होने वाला था, अभी अगले साल होगा। और बाकी ये एक जो लीक है उसमें आपको ब्लू कलर में ये फ़ोन देखने को मिलता है, बाकी शायद ब्लैक कलर में ये फ़ोन देखने को मिले। बाकी बुरी खबर ही थी यार इस वीडियो में, और अगर आपको बुरा लगा हो, अच्छा ना लगा हो, दुख हो रहा हो, मुझे भी दुख हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दुख मनाते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें बिना कहीं मत जाएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जबान से मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा, साथ ही साथ बराबर में मिलेगा बेल आइकन, जैसे जबान से होगा ये जब भी मैं कोई नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और मिस मत की अगर मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ, तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।